तो ये तो यार काफी लग्जरियस बस है, सिंगल सीटिंग बस है, आगे पीछे करने का भी फीचर है। आगे आ रही है, आ गई। तो दोस्तों हमें यही आइटम समझ आई, राइस और आमलेट, चिकन और समथिंग एल्स। तो दोस्तों बस स्टैंड पे 2.5-3 घंटे बिताने के बाद अब हो चुका है बोर्डिंग का टाइम, और दिखाता हूँ गाइस, अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं फुकेट की बस में, 14 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी बस है, और जो कि यही है, ये लेके जाएगी हमें फुकेट और पहुँचाएगी हमें 12 घंटे में। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बस का सफ़र कैसे होने वाला है। सामान देते हैं पहले अपना, तो ये हमारा लगेज बैग हमने दे दिया है। तो दोस्तों ये है बस स्टेशन और ये बस हमें लेके जाएगी, चलते हैं। ये देखो, नहीं ये वाली लेके जाएगी, सॉरी, अरे दूसरी बस में चला गया था रे मैं। तो ये वाली बस है गाइस, साइड में बस लग गई है यार, जगह कम हो गई। ये हमें लेके जाएगी फुकेट, बैंकॉक टू फुकेट की बस मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। टिकट, तो ये मैम चेक कर रही है टिकट गाइस। ये जैसे एयर होस्टेस होती है ना, तो ये तो यार काफी लग्जरियस बस है, सिंगल सीटिंग बस है। यस 6-7 बोतल भी मिली है, क्या बात है। तो ये सीट है यार, ये तो पूरा मतलब एक स्क्रीन, टीवी भी है इसमें, कंबल भी, क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया यार। पानी की बोतलें भी बच पड़ी हैं। तो गाइस ये हमने पानी की बोतल ले ली थी, हालांकि यहाँ पे पहले से रखी हुई है, और ये देखो टीवी, काफी लग्जरियस बस है यार, ये तो मजा आ जाएगा इसमें, तो पता ही नहीं लगेगा। अभी इसके मैं फंक्शन समझ लूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये टावल है, रिफ्रेशिंग टावल, नैपकिन वगैरह दे दिया, चार्जिंग पॉइंट भी है, ये चार्जिंग पॉइंट है, तो बढ़िया। पूरे ये क्या है, ये लाइट जल रही है भाई, यहाँ ये लैंप, रीड करना हो रात को, पढ़ना हो है, और ये रही बोतल लग्जरी, बढ़िया। तो गाइस अभी अंदर आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ मैं, वॉशरूम देखो, अच्छा ऐसे है सीन। तो ये खोला गेट, फिर ये ऐसे रोटेट करने को कह रहे, वाह यार ये देखो गाइस, बस में मतलब पूरी सुविधा है, बस तो यार बढ़िया है और सफर होने वाला है मजेदार। चलो वॉशरूम आया तो मैं सुसु कर लूँ, फिर बात करता हूँ। ये देखो बस कितनी कंफर्टेबल है और एकदम लग्जरियस बस है यार, मतलब फ्लाइट भी क्या मतलब कंफर्ट देगी, जो बस कैसा लगा भाई, एक नंबर, फ्लाइट से भी टॉप, मजा आया, सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। करके दिखाता हूँ, बटन देखो, ये बटन का पता लग गया हमें, क्या सीन है, क्या होगा लाला इससे, हो तो रहा था, बिस्तर बन जाएगा, ये बिस्तर पूरे ऐसे हो जाएगा, तो रात को गाइस बिस्तर बना देंगे, देखो पूरा बिस्तर तो नहीं होगा जैसे फर्स्ट क्लास फ्लाइट में होता है ना, मतलब काफी कंफर्टेबल, पैर पूरे हो भाई फ्लाइट में, तो इतनी कंफर्टेबल फ्लाइट में नहीं होती, हालांकि बिजनेस क्लास होती होगी तो मैंने उसमें ट्रेवल तो किया नहीं। मजा, सफर मजेदार होने वाला है, क्या बात है। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अभी मैं आपको सफर भी दिखाऊंगा, आगे पीछे करने का भी फीचर है। आगे आ रही है, आ गई भाई। ये देखो दोस्तों पूरी मतलब फैसिलिटी, पीछे करो पीछे, मेरे ख्याल से ये बिस्तर भी बन जाएगा रात को, मैं से बिस्तर बना दूंगा। बस में होस्टेस, हाँ बस में, बस होस्टेस, और एयर होस्टेस से भी सुंदर, हाँ मतलब ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। राजा बाबू की जिंदगी ऐसे ही होती है यार, आप लोगों को पता ही है, राजा बाबू थोड़ा ऐसे ही चलना पसंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी ये कुछ कूपन वगैरह भी तो कह रही थी, फूड कूपन, हाँ ये जो बस होस्टेस है ना, ये कूपन दे रही है, फ्री कूपन है, ये रहे 2 कूपन खाने के, उसमें खाना मिलेगा। तो दोस्तों हमें मील भी मिलेगी, 20 मिनट रुकेगी बस कहीं पे, 20 मिनट में तो आपको मैं भी, वो भी खाना भी कि क्या मिलता है, खाना भी देखते हैं क्या मिलता है, और उसका रिव्यू भी दूंगा। और यार सफर तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आरामदायक होने वाला, नींद आ जाएगी, बाकी आपको मैं भी बताता हूँ जैसी बस स्टार्ट होती है, चलती है, फिर आपको और बताएंगे। तो दोस्तों बस चल चुकी है और पता भी नहीं लग रहा कि बस चल रही है, इसमें ऐसे आपको कुछ झटके वगैरह धचके वगैरह कुछ नहीं मालूम लगेंगे। ये देखो एकदम मक्खन चल रही है, ये देखो गाइस, ये हमें पहुंचा देगी 12 घंटे में फुकेट, और बीच में एक स्टॉप है 20 मिनट का,
कंफर्टेबल है सीट, एकदम आरामदायक है। उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी कंफर्टेबल होगी, मोर देन एक्सपेक्टेड, दिल खुश हो गया। इतनी तगड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ना जितनी मतलब फ्लाइट में भी नहीं होती। तो मैं यही बोलूँगा यार, जैसे दिस बस इज फार बेटर देन फ्लाइट ऑल्सो यार। फ्लाइट में लेग रूम कम होता है, ये देखो स्पेस दिखाता हूँ, उतने देखो मेरा लेग देखो, अभी तो मैंने पीछे कर रखे, पूरा आगे भी कर दूंगा ना, इतना स्पेस है आराम से। तो गाइस ये बटन तो मैंने आपको दिखा दिया, ये मतलब ये सीट आगे पीछे करेगा, ये वाला बटन देखो, ये दबाऊंगा ना तो ये देखो ये ऊपर होगा, ये अपना बिस्तर बन जाएगा, ये देखो ये धीरे धीरे ऊपर हो रहा है ना, ये देखो ये नीचे से दूसरा भी निकल जाएगा, ये ऊपर होता जा रहा है, ये बन जाएगा बिस्तर, ये देखो पूरा ऊपर हो गया। तो गाइस रात हो गई है और कंबल वंबल ओढ़ लिए, एकदम नींद आ रही है बहुत बढ़िया, जबकि भी लग गई थी तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ आपसे, फिर बात करते हैं। नहीं अभी बीच में स्टॉप आएगा, जब भी मिल सकते हैं अगर ये रोकेंगे, जब मिलता हूँ ठीक है जी, सो रहा हूँ मैं जब तक। A few moments late. तो गाइस फ़ोन की बैटरी मेरी लो हो गई है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे केबल अपना, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों 6 बजे हम चढ़े थे बस में, 10:30 हो गए और बस अपनी खड़ी है, ये स्टॉपेज के लिए रुकी है, हैला इंटरवल ब्रेक। तो दोस्तों 20 मिनट का टाइम हमें मिला है, कूपन देते हैं, और गाइस ये कूपन है ये, यस तो ये कूपन दे दिया हमने, और यूपी फ्री फूड एनीथिंग। अरे एक 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 तो गाइस ये पर्ची दे दी हमने, इन्हें कूपन दे दिया था, इन्होंने पर्ची दे दी और इससे मिलेगा हमें फ्री फूड, देखते हैं कुछ भी ले सकते हैं, रोटी लाला रोटी वो रोटी। तो दोस्तों हमें यही आइटम समझ आई, राइस और आमलेट, चिकन और समथिंग एल्स, यहाँ पे चिकन फिश 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 डलवा लो लाला, फिश एंड सलाद 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 डलवाओ, एनीथिंग वी कैन टेक पूरी मतलब ये प्लेट में से कुछ भी जो ये बूफे है इसमें। तो और देखता हूँ गाइस, सौरभ ने तो लिया है क्रैम्बल्ड एग, वी गेट दिस नो गाइस, हम दोनों ने सेम ही मील ले ली, राइस और आमलेट और सलाद, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, अलग आइटमें भी होती है ना, पोर्क वगैरह कुछ समझ नहीं आता, तो हम ये चिकन के आइटम या अंडे यही सब प्रेफर करते हैं, तो मिल लेते हैं। तो लाला बस का सफर कैसा लगा है, बस कैसी है? बस तो ऐसी है बैठते ही नींद आई, और बस और प्लेन क्या चुनेगा भाई, ये वाली बस या फ्लाइट? बस चुनेंगे हम वाकई में। दोस्तों खाना अपना हो चुका है, अब जा रहे हैं हम बस की तरफ, अब बैठते हैं, बस सुबह पहुंचा देगी, देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है, 12 घंटे का टाइम बताया, बाकी देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है, तो अब पहुंच के आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ कितने बजे हम पहुंचते हैं फुकेट। 463 मेरी अपनी सीट, और यार मतलब मज़ा आ गया यार वाकई में, तो आप खुद ही देख रहे हो गाइस, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है इस बस में। तो गाइस ये देखो एक और बस आई हुई है फुकेट जाने के लिए, यह डबल डेकर बस, और हमारी ये सिंगल डेकर, बट ये ज़्यादा लगी हुई है, ये देख लिया आपने, वो देख उसमें नॉर्मल सीटिंग है बट है वो डबल, टीवी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये ब्रेड भी मिली है हमें, मैडम बांट रही है खाने के बाद, वो देखो ये वाली ब्रेड मिली है हमें, सारी चीज़ आपको दिखाएंगे जो जो हमें सर्विस मिलती रहेगी, तो सही है पेट भर जाएगा सो जाएंगे, फिर सुबह बात करते हैं। गाइस बस ने उतार दिया फुकेट, ये देखो आप, और एकदम टाइम पे उतारा यार, जहाँ हमने होटल करवा रखा है वो है थलांग, थलांग के नियर बाय हमने अपना होटल करवा रखा है, और मैंने गूगल पे चेक किया है जो हमारा होटल है वो लकीली 2-3 मिनट की दूरी पे ही है यहाँ से, चीपेस्ट अफोर्डेबल एंड लग्जूरियस ट्रेवल फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस, तो अब जा रहा हूँ मैं होटल, एंड होटल करूँगा रेस्ट, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मुझे तैयार करना है बहुत बढ़िया फुकेट का कंटेंट, तो फुकेट के भी तो नज़ारे दिखाने हैं गाइस अब आपको,
तो गाइस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मैं जाके सो जाऊंगा, फिर फुकेट के नज़ारे दिखाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।